हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेकेंड पार्ट ब्लॉग का। ये देखें, हमने यहाँ पर अच्छे से खा पी लिया है, उसके बाद हम गेम जोन में एंटर कर रहे हैं। और ये जो बोलिंग का है, ये स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ये स्टार्ट होगा हम ज़रूर विज़िट करेंगे यहाँ पर। बब्बू जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर गेम्स देखने के बाद। ये देखें, उनके फेवरेट से गेम्स यहाँ पर उन्हें दिख रहे हैं। जो बच्चे होते हैं इस तरह के लाइटिंग से, कलर से अट्रैक्ट होते हैं। बिलो 5 ईयर्स का है ये, इतने गेम्स। और बब्बू चाहते हैं कि ये फ्रॉक का गेम खेलें। बब्बू खेलना चाहते हो ये? यस। ठीक है, पहले हम जाकर सब देख लेंगे गेम्स, उसके बाद मैं आपको ये खिलाऊंगी। ठीक है, ये देखें, मैं आपको बताती हूँ किस तरह के यहाँ पर गेम्स हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये देखें, जो गेम्स होते हैं वीडियो गेम्स, सवे भी है यहाँ पर, जो बच्चों का फेवरेट गेम होता है। और देखें, इस तरह के जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं इसमें कलेक्ट करने होते हैं। लेकिन मुझे ये इतना ख़ास नहीं लगा, क्योंकि वन टाइम ही इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये किसी को भी खेलने नहीं आ रहा है। और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर गेम्स। ये देखें, ये स्पिन का भी नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर जो है टिकट्स आपको कलेक्ट करनी होती है। जितनी टिकट्स कलेक्ट होते हैं उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा लास्ट में। और यहाँ पर कैंडी मशीन भी है, लेकिन ये काम नहीं कर रही थी। सारे एज के बच्चों के लिए यहाँ पर गेम्स है, छोटे हो या बड़े, यहाँ पर सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखें, बास्केटबॉल भी है यहाँ पर, और बाइक राइडिंग भी है, कार ड्राइविंग भी है, बहुत तरह के गेम्स है। आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिएगा AMR प्लैनेट पर। और ये देखें, जो ये मल्टीप्लेक्स है, बहुत तरह के यहाँ पर गेमिंग जोन है और रेस्टोरेंट्स है। और अगर आपको शॉपिंग भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, पेरेंट्स भी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये देखें, यहाँ पर ट्रैम्पलिंग भी है, जो बच्चे यहाँ पर जंप कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको पहले कहा था ना, जो टिकट्स कलेक्ट करते हैं, अगर आपको 100 टिकट्स आपने कलेक्ट किया है तो यहाँ से आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। 500 पर अलग रिवॉर्ड्स है। और ये देखिए, 1000 टिकट्स अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपको ये टॉयज़ मिलेंगे। अगर आप 200 टिकट्स कलेक्ट करेंगे तो ये टॉयज़ मिलेंगे। ये देखें, बब्बू यहाँ पर आ चुके हैं अपनी फर्स्ट गेम खेलने के लिए, फ्रॉग वाली। और ये बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। ये अगर आपको गेम्स खेलना हो तो आपको जो है रिसेप्शन पर जाकर इसका कार्ड परचेस करना होता है। आपको पहले रिचार्ज कराना होता है कार्ड में, 500 हो या फिर 1000 या 2000 का आपको रिचार्ज कराना होता है। उसकी वैलिडिटी होती है अकॉर्डिंग टू आप जो पे कर रहे हैं, ठीक है। 90 डेज़ की होती है या फिर 1 ईयर की भी वारंटी होती है उसकी। आप जब चाहे जब यहाँ पर आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं कार्ड पर। हर गेम का अलग अलग प्राइस है, तो आप यहां पर गेम खेलने से पहले चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा कितना प्राइस है गेम का। यहां पर देखें, आप देख सकते हैं प्राइस जो है 50 है और VIPs के लिए 40 है। ये देखें, नेक्स्ट हमने जो है एयर हॉकी खेला है और सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था ये खेलने पर। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था ये गेम, और हम सब ने इसे बहुत इन्जॉय किया है और बहुत ज़्यादा मस्ती की है गेम खेलते हुए। ये देख सकते हैं आप, अफरा और उनके डैड यहाँ पर खेल रहे हैं। ये देखें, नेक्स्ट हमने बास्केटबॉल भी खेला है। जो मैंने क्लिप निकाली थी बास्केटबॉल खेलते समय, वो जो है मिसिंग हो गई है। और
ये देखें बब्बू जो है अब यहाँ पर बाइक राइड करने वाले हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो घबरा रहे थे, उसके बाद उनके डैड ने उनकी हेल्प की तो वो इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को तो इस तरह के गेम्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और जब आप इस तरह से बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं तो वो बच्चे जो है एक्टिव होते हैं और उनका माइंड भी फ्रेश होता है। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए वीकेंड्स पर। ये देखिए बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रही है गेम को। देखिए बॉल जो है ऊपर कलेक्ट हो रहे हैं इस तरह से, और मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को। देखिए यहाँ पर मॉन्स्टर को किस तरह से शूट कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों को देखकर मुझे भी दिल करा के मैं भी गेम खेलूं इस तरह से जब हम बचपन में खेलते थे, और मुझे अपना बचपन याद आ गया है। फिर मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पर खेल लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी आपको माइंड को रिफ्रेश करने के लिए इस तरह से आपको बाहर निकलना चाहिए घर से, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है बच्चों के साथ। बच्चों को जब आप खुश देखते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जो कुछ गेम्स थे वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। ये देखिए अब आ गया है अरहान का टर्न बाइक राइड करने का, और वो भी बहुत ही अच्छी तरह से राइड कर रहा है। अरहान को गेमिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है। ये देखिए कितने अच्छे से ये राइड कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर जो अफरा है इंजॉय कर रहे हैं वर्चुअल वॉकिंग, इसे आप वीआर वॉकिंग भी कह सकते हैं। ये जो रोलर कोस्टर की राइड ले रहे हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब आप छोटे बच्चों को देखते हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए तो अपने भी चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये देखें इस तरह से जो बच्चा है बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, और जितने भी वहाँ पर लोग थे इन्हें देखकर वो भी इंजॉय कर रहे थे।
ये देखें ये हो गया है लास्ट गेम, यहाँ पर फिनिश्ड हमारा। अब हम चलते हैं यहाँ से। और प्रभु से जब मैंने पूछा कि आपने एंजॉय किया, तो वो कहता है कि हम यहाँ पर फिर आएंगे। मैं यहाँ पर मार्केट 99 में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ के जो सॉफ्टवेयर हैं बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये 99 में नहीं हैं, 15 to 2000 के रेंज में हैं। और यहाँ पर मैं कुछ देख रही हूँ, मुझे जो है मग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और मेरा क्रेज़ है कि मैं मग्स को कलेक्ट करूँ। ये देखिए मुझे जो यहाँ पर लैंटर्न है बहुत ही अच्छे लगे हैं। ये देखिए ये वाला जो है 199 में है और सब अलग अलग रेट है इसके ऊपर। हम मैंने कुछ यहाँ से शॉपिंग किया है, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए हैं। ये अलाउ नहीं कर रहे थे हमें वीडियो शूट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर उन्हें यही कह रही थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखें ये है फुट मसाजर, ये इस तरह से रोल हो रहा है। और यहाँ पर ये फिश स्पा है, तो हमने डिसाइड किया था मैं और अफरा हम यहाँ पर फिश स्पा लेंगे। उसके बाद जो है अफरा को डर होने लगा कि वो नहीं पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरे साथ और हम लोग ने इसको एंजॉय किया। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बस उसके बाद हम यहाँ से निकल चुके हैं। बस यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर ही हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने चाय के लिए कहा था, लेकिन जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो हमें चाय भी नहीं मिली। तकरीबन 10 बज रहे थे रात के। हमने सोचा था कि हम बिरयानी लेके चले पैराडाइज की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है हैदराबाद की, लेकिन हमें बिरयानी भी नहीं मिली। बस हम यहाँ से थके हारे निकल रहे हैं। बस अब हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर और यहाँ पर जो है बॉडी मसाज हो रहा है रोबो टच। ये देखें इस तरह के जो है सीट्स होते हैं मसाज के। अगर आपको हाफ बॉडी मसाज चाहिए या फिर सिर्फ फुट मसाज चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह के जो है मशीन्स होते हैं, आपको रिलैक्स कर देंगे। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो ये ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखें पेन रिलीफ भी होता है इससे। और बब्बू की एनर्जी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ट्रेन भी जा रही है। और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगे हैं एंडिंग में। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या क्या है। पायल भी है, इयररिंग्स है हर तरह के। और यहाँ पर जो है 1 ग्राम गोल्ड के ही है ये, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि 1 ईयर की वारंटी भी है इसके ऊपर। और मुझे अभी लेट हो गया था, तो मैंने कुछ भी परचेस नहीं किया। ये देखें रिंग्स भी जो है अफरा को बहुत पसंद आते हैं इस तरह के। यहाँ पर टॉयज़ भी है बच्चों के लिए और एसेसरीज़ भी है बच्चियों के लिए। ये देखें छोटे छोटे टॉयज़ भी है यहाँ पर। ये देखें एसेसरीज़ भी जो है बहुत ही अच्छे हैं, सारे सिल्वर मेटल और गोल्ड के। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। तकरीबन 10:30 हो रहे हैं इस टाइम। और ये देखें सब यहाँ पर शांति का माहौल है। ज़्यादातर लोग जा चुके हैं और बच्चों ने आज तो बहुत इंजॉय किया है और बहुत ही ज़्यादा ये थक भी चुके हैं। चलिए अब मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है और हम हैदराबाद में और कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर अच्छी लगी है ये व्लॉग तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें। मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।